भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कारगिल विजय दिवस पर बजरंगगढ़ विजय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को किया याद। आज भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा के निर्देशानुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष दीपक सिंह राठौर के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान समय में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के नियमों की पालना करते हुए बजरंगगढ़ स्थित विजय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने हेतु एकत्र हुए, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष दीपक सिंह राठौर ने बताया कि आज ही के दिन भारतीय सेना ने अपने शौर्य और अदम्य पराक्रम से 60 दिवस तक चले कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त कर दुश्मन को पराजित किया था और अपनी विजय पताका लहराई थी। इसी विजय दिवस के दिन हमारे शहीद सैनिकों के अमर बलिदान को याद करते हुए युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर उनके अद्भुत पराक्रम को नमन कर याद किया गया है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में संकेत वर्मा, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह, अंकित गुजर, अंकित डांगोरिया, ऋषि मंगलानी, सुरेंद्र सिंह, विकास सेन, तरुण लालवानी, सुनील जाखड़, मोनू, अक्षय गोयर, धीरज, गौरव आदि कार्यकर्तागण उपस्थित थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर की ओर से भाजपा जिलाध्यक्ष श्री प्रियशील जी हाड़ा जी के निर्देशानुसार 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि कर नमन किया, सबको याद किया। ऐसे अदम्य शौर्य साहस का जिन वीर सैनिकों ने, शहीदों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का न्यौछावर किए, ऐसे वीर बलिदानों को पूरा भारत आज नमन करता है, याद करता है। ऐसे शहीदों को हम युवा मोर्चा कार्यकर्ता कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दीपक सिंह राठौड़, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, अजमेर।